हाँ चलिए हम कल पढ़ रहे थे बे आंखें, कल हमने इसके पांच स्टंजा पढ़ लिए थे और पांच जो बचे हुए आज सुमित्रानंदन पंत राइटर हैं। और सुमित्रानंदन पंत के बारे में क्या मैंने कल बताया था कि मोह भंग उनका भी हुआ, छायावादी कवि के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और अपने अंतिम समय तक आते आते इस प्रकार की यथार्थवादी कविता लिखने लग गए, मतलब प्रकृति का जो मोह था वह टूटता चला गया क्योंकि व्यवस्था के साथ उनका भी मोह भंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर पांच स्टांजा हमने कल के जो दो स्टांजा में हमने तीन चार स्टांजा में पढ़ा था। देखिए सबसे पहले कि उस आंखों से डर लगता है अंधकार भरी जो गहरी गुफा जैसी दिखती है। फिर दूसरे स्टांजा में था कि पहले स्वाभिमान था उसका स्वाधीन था परंतु धीरे धीरे वो एक किनारे पे चलता है उसे धकेल दिया गया। फिर उसके बाद बताया गया कि खेतों से जब वो बेदखल हुआ खेतों से पहले उसे निकाला गया। फिर उसके बाद उसका जो बेटा है जो किसकी लाठियों से मारा गया, जमींदार की लाठियों से मारा गया। उसका एकमात्र बेटा था जो आंखों का तारा था वो भी टूट गया। उसके बाद महाजन से पैसा उधार लिया था तो उसने घर भी बिकवा दिया और ब्याज का एक पैसा भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखिए यहाँ पर ये पांच स्टांजा है बड़े प्यारे हैं। इसकी जो शैली है वो गजब की है जो सीधे यहाँ छू जाए, बशर्ते कि आप उस लिहाज से पढ़ो तो। उजरी उसके सिवा किसे कब, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी किसी गाय का नाम होगा, क्या होगा ये किसी गाय, घर में हम गायों के नाम रखते रहते हैं। उजरी किसी गाय का नाम होगा। उजरी उसके सिवा, उजरी उसके सिवा इसे कब पास दुहाने आने देती, मतलब उसकी जो गाय थी किसान की गाय थी सिर्फ दूध किससे किसको निकालने देती थी, किसान को ही, उसके अलावा कोई उसके पास जा नहीं सकता। जैसे वो मेरी गाय भी है बाकी सब जाएंगे तो मारने दौड़ती है परंतु मुझे कुछ भी नहीं करती है, भले दो दिन से बछड़ा हुआ है पर आराम से उसके पास बैठ सकता हूँ उसके पास जा सकता हूँ, मतलब कुछ गायों की विशेषता होती है। तो उजरी उसकी एक ऐसी गाय थी जो उसके अलावा किसी को दूध निकालने नहीं देती थी। अब आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो उसकी खेती, पर जिस दिन उसकी जो खेती उजड़ गई खेत उसके बिक गए। अब खेत बिक गए तो चारा तो होगा नहीं तो वो गाय भी क्या होगी उसे बेच दी या चली गई। अब वो पुराने दिन जब खेती हुआ करती थी, गाय हुआ करती थी, पशुधन हुआ करता था, वो सभी सुख के दिन अब उस किसान की आंखों में नाचा करते हैं। क्योंकि देखिए जब बुरे दिन आते हैं तो आपके पास उन अच्छे दिनों के सपन मात्र रहते हैं, सिर्फ सपने रहते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम, मतलब कि एक बार ऐसा हुआ था, यूं करके उसकी यादें हमारे पास रहती है। किसान के पास अब सिर्फ वही बचा है और जो भी बचा है वो धीरे धीरे उसका अब वो भी खत्म हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, बिना दवा दर्पण के गर्मी सवर चली आंख के आती पर। पत्ती बीमार पड़ी, पत्ती को कुछ दे ही नहीं पाया, दवा दर्पण का मतलब कि बीमार थी तो दवा नहीं दे पाया और उसकी सुख सुविधा के लिए दर्पण का मतलब औरतों को जो अत्यावश्यक चीजें चाहिए उसका मतलब इन सामानों से है। बिना दवा दर्पण के गर्मी, गर्मी का मतलब होता है घरवाली, इसको कहते हैं घरवाली या पत्नी, ये देशज शब्द है। ये सभी क्या है जैसे उजरी, ये भी देशज शब्द है, गाय का नाम होगा ये, बिना गाय का नाम, बिना दवा दर्पण के गर्मी और बिना दवा के उसकी जो पत्नी थी उसकी घरवाली थी किसान की स्वर्ग चली। स्वर्ग का मतलब ये भी फिर देहाती शब्द है, इसे कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग चली और बिना दवा के उसकी पत्नी की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्योंकि अपनी पत्नी के लिए दवा की भी वो व्यवस्था नहीं कर सका और उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के चली गई। आखिर आपकी पर क्या कह रहा है और ये सब याद करके किसान कह रहा है कि उसकी आंखें क्या आती है, भर आती है, देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया दो दिन बाद गई मर। देखो इसने तुक कितनी बढ़िया जोड़ी है, भर मर ये सब जैसे ये इनको जोड़ा है तुकबंदी से। बिना दवा दर्पण के गर्मी सवर चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया दो दिन बाद गई मर। पत्नी की मृत्यु हो गई क्योंकि उसके लिए दवा नहीं करवा पाया और दूध मुई बच्ची थी, दूध पीती बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, बिना देख रेख के अभाव में, माँ के अभाव में दो दिन के बाद वो क्या उसकी बेटियां भी क्या, जो एक बेटी थी वो भी क्या हो गई, मर गई। पहले उसका एक बेटा तो पहले उसका मर चुका था जो जमींदार के लट्ठे तो ने उसे मार दिया था।
पत्नी भी उसकी मर गई, बैल उसके चले गए, खेत उसके चले गए, मकान उसका बिक गया। अब देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया दो दिन बाद गई मर। देख रेख के अभाव में जो बेटी थी क्या कितने दिन बाद मर गई, दो दिन के बाद ही वो भी मृत्यु चली गई, वो भी मर गई। अब देखिए वक्त रेत की तरफ होता है, सूखी रेत को कभी मुट्ठी में कस के बांधना पकड़ना और ये छोड़ना, जितनी कस के मुट्ठी बांधोगे ना तो भी धीरे धीरे वो रेत क्या हो जाएगी, आपके हाथों से फिसलती रहेगी। आप लाख कोशिश करोगे पर एक समय के बाद आपकी मुट्ठी खाली हो जाएगी, जिंदगी उस मुट्ठी की तरह है, ये जो समय है उस रेत की तरह है। हम जितना भी उसे पकड़ने की कोशिश करें और जितना टाइट उसे पकड़ने की कोशिश करें उतना ही वो रेत की तरह समय हमारे हाथों से क्या हो जाएगा, निकलता जाएगा। पर यही किसान के साथ हुआ, पर इसका समय इसका दौर बहुत बुरा निकला, धीरे धीरे चीज उसके हाथों से छूटती जा रही है, उसका दर्द बढ़ता जा रहा है। घर में विधवा रही पतोहू, घर में एक बहू थी, वो विधवा हो गई क्योंकि बेटे को तो मार डाला था किसी ने, बेटे को तो किसी ने क्या कर दिया था, मार डाला था, इसलिए घर में कौन रही, घर में विधवा रही पतोहू, अर्थात की घर में बहू थी जो कि क्या थी, विधवा थी। अब दो चीजें उल्टी चीजें एक साथ होती, देखो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी, घर की जो घर में जो औरत होती है उसे क्या माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति, ये अलग शब्द है, इसके साथ है। गाती हूं, एक तरफ लक्ष्मी कह दिया, लक्ष्मी कह रहा है अपनी बहू को यद्यपि पति घाती, दूसरी तरफ पति को मारने वाली कहा गया है। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि घर में आदमी मर जाए तो ये कहा जाता है कि इसकी शादी करवा ली, पति आ गई इसकी वजह से आदमी मर गया, पति को खा गई, अपने भारतीय समाज में ये चलता रहता है। यहाँ पर कभी ये कह रहा है लक्ष्मी थी, उस किसान की नजर में तो उसकी बहू लक्ष्मी थी पर दुनिया की नजर में क्या थी, पति घातिन थी, पति की हत्या करने वाली थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन, और जो हमारे समाज में विधवाओं को जीने का हक नहीं, विधवा एक खुली तिजोरी की तरह होती है, हर कोई कोशिश करता है कि उसे लूटने की और उसके इज्जत के साथ खेलने की, और पुराने समय में तो ये बहुत ज्यादा था, तो गांव का कोतवाल रहा होगा, पुलिस वाला रहा होगा, उसने विधवा को अपने यहां बुलाया और उसकी इज्जत के साथ जब खिलवाड़ किया तो दो दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद उसकी एकमात्र जो बची हुई जो बहू थी डूब कुएं में मरी एक दिन, वो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए या शर्म की वजह से, और वो भी एक दिन क्या हो गई, कुएं में डूब के मर गई। अर्थात कि जो अंतिम जो था सहारा वो तो इस किसान का क्या हो गया, छीन लिया गया। खैर पैर की जूती, खैर पैर की जूती जोड़ू, जोड़ू का मतलब पत्नी। हमारे यहां जैसे कि पुराने समाज में औरत को या पत्नी को क्या माना जाता है, पैर की जूती, हालांकि ये सिस्टम अब बदल गया है, आजकल तो औरत खड़ी हो जाए आंखें यूं करके बेचारे का तो आदमी तो क्या करे, थरथर पत्ते के कांपने लग जाता है, आजकल वाले आदमियों की कंडीशन बड़ी खराब है भाई। ये वो दौर रहा होगा, आज तो दौर भाई आप लोगों का आ गया। तो खैर पैर की जूती जोड़ू, खैर ये माना जाता है कि जोड़ू मतलब की घर की पत्ती तो पैर की जूती के बराबर है, ना सही एक दूसरी आती है, और पैर की जूती आज पड़ जाए तो दूसरी ले आते, पहले भी ऐसा था कि दो चाचा शादियां करते थे। खैर ना सही एक दूसरी आती है, यदि एक नहीं है तो दूसरी आ जाती क्योंकि पैर की जूती है, पर जवान लड़के की उठ कर साफ लौटते फटती छाती। उसका एक जवान बेटा और था पर उसकी शादी नहीं हो रही थी, भले औरत पैर की जूती है पर वो जूती भी उस लड़के को नहीं मिल रही थी, और जवान लड़की को अपने घर में देखकर पड़ा पड़ा देखकर जिसकी शादी नहीं हो रही है कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जवान लड़की को देखकर उस किसान की छाती फटती थी, मतलब उसे दुख होता था कि मेरा कुल खत्म हो जाएगा, शायद मेरा ये परिवार जो मुझ तक आके स्टॉप हो जाएगा वो आगे बच नहीं पाएगा, इसलिए उसका दर्द दिन दिना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा था। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, जो एक दौर वो भी आया था जब चारों तरफ खुशी आती उसकी जिंदगी में, अच्छा परिवार था, सब कुछ अच्छा था, खेत थे, खलियान थे,
वो हरियाली थी, मकान था, बैल थे, पत्नी थी, बच्चे थे, बेटा था, सब थे। पर धीरे धीरे एक एक करके उसे छोड़ते हुए क्या हो गए, चले गए। इसलिए पिछले सुख की स्मृति आंखों में, इसलिए उसकी आंखों में क्या है, पिछले सुख की स्मृति, जो पहले उसने भोगा है, अच्छा वक्त उसने जिया है, उसकी यादें कहाँ है, उसकी आंखों में है। क्षण भर एक चमक है लाती, और जब उन पुरानी यादों को वो याद करता है, किसान कह रहा है कि जब आंखों में वो यादें जब आती है या उन दिनों को मैं जब देखता हूँ तो एक क्षण के लिए मेरी आंखों में चमक, मतलब किसान की आंखों में क्या लौट आती है, एक चमक लौट आती है। परंतु उसे ये पता है कि वो चमक ठीक कैसी है, बिजली की तरह कोंदने वाली है। बारिश के दिनों अब मैं बिजली चमकती है, रात को बिजली चमकती है तो सिर्फ एक क्षण भर के लिए चमकती है, जैसे क्षण भर के लिए चमकती है तब चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, परंतु अगले क्षण वापस अंधकार आ जाता है। यादें भी ठीक इसी प्रकार से है, यादें उसकी आंखों में, उसके मन में बिजली की तरह कोंदती थी, पर एक क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए उसके चेहरे पे चमक आती थी और वापस वो चमक क्या हो जाती थी, गायब हो जाती थी। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, चितवन का मतलब नजरे, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन थी, इनोक सदृश बन जाती, और जो यादें जो आती थी, जो उसकी नजरों में जो यादें समाई थी, वो तुरंत ही वापस क्या हो जाती थी, जैसे ही वो वापस एक क्षण के बाद होश में आता और वो उसकी यादें ही वापस उसको एक नस्तर बनकर, एक तीर बनकर, एक दर्द बनकर, तलवार की नोक बनकर उसकी छाती में वो दर्द क्या हो जाता था, गड़ जाता था। देखिए दुख का अपना कोई हिसाब नहीं होता है, हर चीज हम ये सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ हिसाब किताब से चलती है, गलत है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हिसाब किताब से परे होती है। ये एक किसान का अपना भोगा हुआ यथार्थ होगा, और ये नहीं कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, आज भी ऐसा होता है, आज भी ये होता होगा। जब मैं कविता भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस समय भी ऐसा हो रहा होगा, कहीं न कहीं कोई किसान आत्महत्या करने के लिए फांसी का फंदा जुटा रहा होगा, कहीं न कहीं कोई किसान अपने पैरों में बड़ा सा पत्थर बांधकर कुएं में कूदने की तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि इस दर्द से आज भी भारत के हजारों हजार किसान ऐसे हैं जो इस दर्द को आज भी भुगतते हैं, अपने परिवार को इसी कदर आज भी टूटते हुए देखते हैं, और समय से पहले अपने खुद की हत्या कर लेते हैं, अपने खुद के प्राण हर लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मौत से जिंदगी, जैसे कि मौत है तो जिंदगी से भी सस्ती और आसान लगने लगती है, तब व्यक्ति जिंदगी और मौत में से किसी एक को चुनना हो तो मौत को गले लगा देता है। परंतु मेरा मानना यह है, इंसान है तो संघर्ष रहेगा, संघर्ष है तो जीवन रहेगा, और ये चीजें संघर्ष, स्ट्रगल, दुख सुख ये आती जाती बाहर है, आज है तो कल नहीं होगी, और कल नहीं होगी तो परसों आ जाएगी, फिर वापस चली भी जाएगी। इसलिए बी पॉजिटिव एंड मेक ऑल ऑफ पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए, बेहतर रहिए। कोरोना का समय कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सलाह जाया तो कल वापस जाएगा, फिर परसों वापस आएगा तो वापस जाएगा, क्या है, आती जाती बाहर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, उसके दो चार पद्यांश की व्याख्या कर लेना। मैं सिर्फ आपसे व्याख्या इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास किसी के पास गाइड नहीं है, किसी गाइड लिख भी जाए मेरे अन्नदाता तो मुझे लगा गाइड नहीं है, पर गाइड है नहीं है, माना कि गाइड नहीं है, ठीक है ना, ये मान लो, और गाइड को देखे भी ना है, आप इसका क्या करो, ट्रांसलेट, तेरे पास है ना गाइड, तू कल ले आना था कि मेरे पास पड़ी रहेगी, अब घर पे बैठ, यही क्या होता है, देख कितने झूठ बोल दिए, मैं घर आके ले लूंगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफी है।